बिहार से हैं राज, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे ना थोड़ा क्या दिक्कत आता है कि जैसे मैं थोड़ा सोचते रहता हूँ और मैं ना खुश नहीं रहता हूँ। हमेशा दिमाग में चलता है कि मुझे कुछ हो गया है और ये हमेशा बहम हो गया, जबकि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपकी उम्र क्या है? 40 ईयर्स। ठीक है जी। देखिए, अपने आप को मसरूफ़ कीजिए, कहीं बिजी करिए, किसी काम में लगाइए। और धनिया, आप जानते हैं धनिया, किचन में जो धनिया होता है, धनिया का दाना अपने घर में किसी से कहिए इसको पाउडर बना दे, धनिया का खूब बारीक पाउडर। और ये पाउडर बना लें, 100-200 ग्राम धनिया, और एक आता है सिरका, एलोवेरा का सिरका, विनेगर एलोवेरा, ये 3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालें और आधा चम्मच धनिया खाएं। और ये एलोवेरा का सिरका युक्त जो पानी है ये पीकर सो जाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अंबाला से हैं रामचरण जी, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी, बोल रहा हूँ मैडम। मैंने जी। अपने बेटे के बारे में बात की, हाँ जी, बात जानना था। कीजिए। हाँ, उसको झटके लगती है जी, उम्र शरीर क्या में झट। उनकी? उम्र है लगभग 22 साल का है। तो क्या बताया डॉक्टर ने, क्यों लगते हैं? डॉक्टर के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा जी। झटके, वो झटके लेता है और ऊपर को देखता है तो देखता ही रहता है। मतलब 5-10 मिनट कोई चीज को छुएगा तो छूता ही रहेगा। कितनी उम्र बताई? आपने 16 साल बताई है बारह ना? हाँ जी, लगभग है 22 साल का है जी। ठीक है, बाईस ठीक साल है। बाय जी। फिक्र ना करें। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो इस्तेमाल कराएं रोज़ाना रात के समय। देखिए, 3 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका यानी विनेगर 3 चम्मच, और 1 गिलास पानी में डालें, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो डाल दें। इसमें झाग से निकलने लगे तो पानी मिला दें, और रोज़ाना रात के समय जब सोने का समय हो जाए तो एक बार पिला दिया करें। टाइम काफ़ी लगेगा लेकिन बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन जी, मऊ से हैं है। भोला राम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ बताइए भोला हाँ राम जी, आपका प्रश्न क्या हाँ है? आखिर साहब से बात करना चाहते हैं। हाँ जी, आदावर साहब, जय हिंद, बताइए भोला राम जी। नमस्कार। ऐसा ही बताएं, आपकी गोचिया के साथ वो जैतून का सिरका भी ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। आपने ले शुरू सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं ना होगी? नहीं होगी। आपको क्या रोग है, दर्द है? पत्नी को जो है घुटनों में, जोड़ों में दर्द है और शुगर भी है। हाँ तो आप ले सकते हैं गौंसिया नाश्ते और खाने के बाद आधा आधा ग्राम, और रात को सोते समय जैतून का सिरका पानी में मिलाकर एक बार लें, या 2 बार भी ले सकते हैं दिन में। आपकी पत्नी ले सकती हैं, आप उनको फ़ायदा मुमकिन है। आप इसको शुरू करें, लेकिन ये अपने घर में ये होना चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट, जिनको भी कमर में या घुटनों में दर्द है तो उससे फिर गौंसिया को और हमें बहुत मदद मिल जाती है आपको फ़ायदा पहुंचाने में। जी, अंबाला से हैं तेजपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ऐसा है, मेरी मिसिज को लीवर सिरोसिस है। उम्र क्या उनकी? उम्र उनकी 63 साल, 63 ईयर। ठीक। ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। एक आती है दवा जिसको कहते हैं कुटकी, के यू टी कुट के आई कुटकी, ये
आयुर्वेदिक यूनानी नाम है, ये दवा जड़ी बूटी है, बाहर से सफ़ेद सी और अंदर से हरी होती है, सूखी भी मिलती है, ये पहाड़ों की जड़ी बूटी है, कुटकी लिख लीजिए, ये खरीद लीजिए 100 ग्राम, असली मिले कहीं पर, और इसको पाउडर बना के रखिए। और एक आता है जैतून का सिरका या एलोवेरा का सिरका, इन दोनों में से कोई भी सिरका मिले असली तो ले लीजिए। एलोवेरा का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, और ये कुटकी का पाउडर जो है ये 1 चुटकी ज़बान पर रखें और इस पानी के साथ पी लें। ये दवा जब ज़ुबान पर रखेंगे तो फीकी सी लगेगी, थोड़ी देर बाद कड़वी लगने लगेगी, तो घबराएं नहीं, जितनी देर रखेंगे इतनी कड़वी होती जाती है। ये आप रोज़ाना कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अपनी पत्नी को पिलाइए, भगवान से खूब मदद मांगिए, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, गुड़गांव से हैं संगीता जी, स्वागत है आपका। मैडम। हाँ जी मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी। ठीक है जी, बताइए क्या सवाल है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी आदाब। वो सर मैंने ना वो मंगाया था, काला गोंद मंगाया था, मुझे 1 महीना हो गया लेते लेते, 4 तारीख से ले रही हूँ मैं, दिसंबर से। तो सर मेरे थोड़ा तो आराम है उससे, मेरे घुटनों के लिए मंगाया था मैंने। और सर एक बात और मैंने पूछनी थी कि जो मतलब मेरे ना एक बारी मैं इन जोड़ों के दर्द के लिए ना कहीं इंजेक्शन लगवाने गई थी मैं, तो वो इंजेक्शन मेरे पक गया था कुल्लू के ऊपर। तो डॉक्टर साहब उस समय मैंने इलाज करवाया था सरकारी अस्पताल से, तो उन्होंने मतलब चीरा तो नहीं लगाया था, पर ना बार बार वो उससे कट मारते थे ब्लेड से। तो सर वो मेरा तो वो तो मेरा ठीक हो गया, पर उसी दिन मुझे 1 साल हो गया, पर 1 साल से मेरे अंदर दर्द रहता है उसमें, और उसकी वजह से घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है मेरे में जी। मतलब जो फोड़ अंदर से ऐसा लगता है जैसे अंदर जख्म है मेरा अभी भी सर। ठीक है, तो उसके लिए पूछना था सर। और दूसरा मैंने पूछना था, मेरी जीजा जी है 70-75 साल के हैं, उनको 2 कदम भी चलते हैं तो उनको सांस चढ़ जाता है जी। ठीक है, हाँ देखिए जीजा जी का खूब ख्याल रखिए, और आपको तो फायदा शुरू हो गया, वेस्टर्न टॉयलेट का भी प्रयोग करें, जो कुर्सी वाला शौचालय होता है। और ये जो आपको वो है इंजेक्शन की जगह की वजह से, तो अलसी ले लीजिए, अलसी 200-300 ग्राम लेकर भून कर रखें, उसको पाउडर बना कर रखें, हल्का सा भूनना है, और 1 चम्मच रोज़ाना खा लिया करिए अलसी, और गौंसिया खा लिया करिए इसके साथ, तो वो जगह भी आपकी ठीक होना मुमकिन है। और अभी आपको 1 महीना हुआ है, फ़ायदा शुरू हो गया, ये गौंद ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है, बचरते आप वज़न वगैरह ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। जीजा जी का इससे भी ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि उनको मेरे अनुभव के अनुसार दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज, तो फौरी तौर पर उनको जैतून का असली सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देना शुरू कर दें, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ी परेशानी उनको हो सकती है जी। सीकर राजस्थान से हैं रघुनाथ प्रसाद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार जी, मेरे 3-4 साल से हैं पैरों की अंगुलियों के बीच से लेकर और गट्टे होते हैं ना गट्टे, इतनी दूर तक ये छाले से होते हैं। कोई कुछ अंग्रेजी दवाई बहुत ली और वो देसी दवाई खूब ले ली, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, कोई लीवर के संबंधित कुछ खान पीन कर लेता हूँ उससे होती है, किससे होती है? आपकी उम्र क्या है? उम्र 52-50 साल है। ठीक है, हाँ देखिए ये रोग बहुत कम लोगों को होता है, करोड़ों में किसी एक को। मैंने अभी अपने जीवन में एक ही मरीज ऐसा देखा जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उनको मैंने जो नुस्खा बताया वो आप समझ लें। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून एक तरह का नमक जैसा बिल्कुल दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है कि नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ नमकीन नहीं है,
तो ये ले लीजिए आप, 100-200 ग्राम खरीद लें, आपकी बीमारी के लिए काफ़ी होना चाहिए। 10-12 रुपये रोज़ का, 15 रुपये रोज़ का इलाज है। एक या दो चुटकी सुबह पानी में मिला के खाएँ, चुटकी में जितना आ जाए, एक या दो चुटकी शाम को पानी में मिला के खाने के बाद पी लें, खाने से पहले भी पी सकते हैं। ये 100-200 ग्राम अगर असली मिल गया तो इसके ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, रोहिणी से हैं। जयपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो जी, जी आदाब। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जय हिंद, बताइए भाई क्या सवाल है। ये हमारी मैडम का जी शुगर की बीमारी है। कितने सालों से है? 4 साल हो गए जी। उनकी उम्र क्या है? 48। देखिए जयपाल जी, मैं यही बात कहता हूँ कि 40 के बाद ये सब बीमारियाँ आनी तय है, चाहे कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, हकीम हो, वैद्य हो। अगर वो जैतून का सिरका ले लिया करे तो फिर ये ख़तरा ख़त्म हो जाता है, 3-4 बीमारियों ख़तरा टल जाता है, शुगर का और ये कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट ब्लॉकेज का और फालिस का। ख़तरा हर 40 साल के आदमी के कभी भी, चाहे 50 साल में हो, 45 साल में हो, लेकिन ये ख़तरे हर आदमी पर आने लगे। कुछ ऐसा खान पीन हो गया, हमारा खान पान ऐसा हो गया, माहौल ऐसा हो गया, ऐसे दूषित हवा और पानी हो गए और सब चीज़ें, सब्जी से लेकर दूध तक सब दूषित और नकली मिलने लगे। तो अब हर शख्स को 40 साल के बाद सावधान हो जाना चाहिए। जो दवा खिलाते हैं वो खिलाते रहें, और जैतून का सिरका 3 चम्मच शाम को, 3 चम्मच दोपहर में, खाने के बाद छोटे चाय के चम्मच पानी मिलाकर पिला दिया करिए। सारी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजार सकती है। लेकिन वो दवा भी खाएं जो डॉक्टर ने दी हुई है, इससे बहुत फ़ायदे उनको मुमकिन। जी, लाजपत नगर से हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरे को ना यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन रुक रुक के आता है, बड़ा टाइम लगता है यूरिन में ना। आपकी उम्र क्या है? जैतून रख ले, मेरी उम्र है 60। ठीक है जी। कितनी उम्र है? 60। और देखिए ये परेशानी भी अब ज्यादातर लोगों को होने लगी, और इसका भी एक निवारण है बहुत अच्छा। जो भी मैं रॉ मटेरियल बताऊँ वो असली मिल जाना चाहिए आपको। नमक जैतून आता है, नमक जैतून, ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे आपके किचन के डिब्बे में नमक भरा हुआ रहता है, वैसा ही सफ़ेद है, लेकिन नमकीन नहीं होता। ये ले लीजिए, थोड़ा सा 100-200 ग्राम खरीद लें, 12-14-15 रुपये रोज़ का इलाज है। एक चुटकी या दो चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना, एक बार या दो बार बस, कभी भी ले लिया करें, खाने से पहले, खाने के बाद ये लेना शुरू करें, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। जी, तो आपकी समस्या का निदान हो जाएगा सुनीता जी, परेशान नहीं होना है, जल्द से जल्द आप नुस्खे अपना लीजिएगा। दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी अपना सवाल कर सकते हैं, अगर आपको कोई रोग हो गया है, नुस्खे आप अच्छे अच्छे बेहतरीन जान सकते हैं, और ये कोई मामूली नुस्खे नहीं होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, जो आप सीधा जानते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, वो भी लाइव, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर कोई भी रॉ मटीरियल आना चाहते हैं हकीम साहब की कंपनी से, आप लोग मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हकीम साहब, एक प्रोग्राम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिनके बच्चे की उम्र काफी कम थी, लेकिन उनके लिवर में पानी भर गया था। कारण क्या हो सकते हैं इतने छोटे बच्चे के लिवर में पानी भरना? देखिए, जब से ये तेज़ असर दवाइयाँ जी हम लेने लगे, और देखिए सबसे अच्छी दवा जो फौरी तौर पर फ़ायदे की होती है वो एलोपैथी मानी गई है, जो पिछले 100 साल से हम ये खा रहे हैं। जब हम अपनी माँ के कोख में होते तब भी खाते हैं,
तब हम पैदा होते हैं, जब भी सब वैक्सीनेशन उसी का होता है। ये दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब हम किसी बीमारी में पड़ जाते हैं, जैसे हमें मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी, ऐसे बुखार आने लगे, तो इसकी दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसके बाद हमें ज़रूर या उसके साथ हमें ज़रूर यूनानी लेना चाहिए, क्योंकि वो इतनी गर्म और तेज़ दवाइयां हैं कि हमारे लीवर या किडनी को क्षति पहुंचा कर ही जाती हैं। तो मेरा उन सब से निवेदन है जो लोग ऐसी दवाइयां खाते हैं और लीवर में प्रॉब्लम ना आए, अक्सर पीलिया हो जाता है इन इलाज के बाद, अक्सर पीलिया हो जाता है, तो जिनका पूरा जीवन दवा खाने के मजबूर है, जिन लोगों को दवा खानी ही खानी है, तो वो जैतून का नमक आता है, जैतून का नमक, वो रोज़ाना एक चुटकी या दो चुटकी पानी मिलाकर ले लिया करें, तो उन दवाओं के असर को, नुकसानात को ख़त्म कर देता है और किडनी से जल्दी से साफ कर देता है, किडनी को मांज देता है, लीवर को मांजता है। जैसे हम बर्तन मांजते हैं जब गंदे हो जाते हैं, तो हमें जैसे झावे की ज़रूरत पड़ती है बर्तन मांजने के लिए, नहीं तो साफ़ नहीं होते अच्छे, तो ये झावा है किडनी का, लीवर का, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी जो ज़रूरी हमारे पार्ट हैं बॉडी के उनके, तो ज़रूर ये एक चुटकी दो चुटकी लिया करें जिन लोगों को हमेशा दवाएं खानी होती हैं।